संस्कृति के पुरोधा पद्म श्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा की जयंती मना रहे हैं। पूरे झारखंड से झारखंडी समाज के आदिवासी समाज के अगुवागण साथ में झारखंडी संस्कृति को बचाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान है। डॉक्टर रामदयाल मुंडा के चित्र पर मल्यार्पण करके किया जा रहा है। रामदयाल मुंडा जी प्रखर आदिवासी लेखक, चिंतक, विचारक, कवि, शिक्षक, रंगकर्मी, मीडिया कर्मी, सिनेमाकार और झारखंडी संस्कृति को विभिन्न देशों में पहचान दिलाने वाले, अखड़ा संस्कृति को लगातार आगे बढ़ाने वाले, यहाँ तक कि अमेरिका में आज भी उनके द्वारा बनाए गए अखड़ा में सरहुल और करम पूजा होता है, जिसमें स्थानीय निवासी वहाँ के लोग धूमधाम से इसको मनाते हैं। पारंपरिक गीत संगीत के साथ, मुंडारी गीतों के साथ, पारंपरिक वाद्य यंत्र के साथ और पारंपरिक पोशाक के साथ आज आदिवासी समाज के एक ऐसे पुरोधा का जन्मदिवस है जिनके जीवन कार्य और उनके उपलब्धियों पर शोध किया जाना बाकी है। आज अमेरिका से और अलग अलग यूनिवर्सिटी से लोग आते हैं, रिसर्च करते हैं आदिवासी संस्कृति के ऊपर, लेकिन आज हमारे ही लोग, इस झारखंड के लोग, रांची के लोग उसको संजो के नहीं रख पा रहे। शायद इसका एक कारण यह भी है कि जो कैसेट संस्कृति है, डीजे संस्कृति है और कुछ ऐसे गलत लोगों के हाथ में सांस्कृतिक आंदोलन चला गया है, जिस वजह से ये अवमूल्यन की ओर बढ़ता जा रहा है, ऐसा दिख रहा है। हमारी भाषा, संस्कृति, धर्म, परंपरा तभी बचेगी जब हम लोग पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी के बताए रास्तों पर आगे बढ़ेंगे और चलेंगे। रामदयाल बाबा का ही अपना बनाया हुआ गाना है और उसी को याद करते हुए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम सभी के लिए हम शुरुआत करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सिर मारे सी बुगायो तेरे लिंगा, हम आयो तेरे लिंगा, सीधा ते अभिल जो आओ, सीधा ते अभिल जो जो आ
करता हूं, जय धर्म करता हूं। हमारे महान आत्मा बाबा पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी को मैं हृदय से उनका सत सत नमन करता हूँ। उनके चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आइए हम सभी उनके याद में हम सभी चालायो माँ सरना से धर्मेश बाबा से उनके लिए प्रार्थना करेंगे। सभी को जोहार जय धर्म। Amen.
सुखराम मुंडा जी, उन्हें सम्मानित करते हुए अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की सुनीता मुंडा जी। और आज के इस शुभ बेला में हमारे बीच में उपस्थित है डॉक्टर रामदयाल मुंडा के सहयोगी नागपुरी गायक श्री मधु मंसूरी जी, उन्हें प्रभाकर नागदा उन्हें पुष्पमाला देकर सम्मानित करने का काम करेंगे। मैं उसी अखाड़ा से संबंधित बाबा को एक दो लाइन का कविता समर्पित करना चाहता हूँ। ऐसा है हम आदिवासियों का अखाड़ा, ऐसा है हम आदिवासियों का अखाड़ा, जिसमें झलकता है एकता और अखंडता हमारा, जिसमें झलकता है एकता और अखंडता हमारा। ऐसा है हम आदिवासियों का अखाड़ा, ऐसा है हम आदिवासियों का अखाड़ा, जिसमें संस्कृति और परंपरा का अद्भुत है नज़ारा, जिसमें संस्कृति और परंपरा का अद्भुत है नज़ारा। ऐसा है हम आदिवासियों का अखाड़ा, जहाँ ना भेदभाव है ना कोई झगड़ा, जहाँ ना कोई भेदभाव है ना झगड़ा, सब मिलजुल कर सजाते हैं सुंदर अखाड़ा, सब मिलजुल कर सजाते हैं सुंदर अखाड़ा। ऐसा है हम आदिवासियों का अखाड़ा, जिससे जाना और पहचाना जाता है झारखंड हमारा। ऐसा है हम आदिवासियों का अखाड़ा। जहां आकर्षक गीत नृत्य का सजता है जतरा, जहां गीत नृत्य का सजता है जतरा, ऐसा है हम आदिवासियों का अखाड़ा। पर आज मंडरा रहा है अखाड़ा और जतरा पर खतरा, क्योंकि अखाड़ा पर और जतरा पर कब्जा कर रहा है आधुनिकता। जैसे कि हमारे प्रभाकर जी बोले कि हमारा जतरा, हमारा कला संस्कृति कैसे गुम हो रहा है, तो डीजे वगैरह सबका संस्कृति प्रचलन में आ गई है, जिसके चलते हमारा ये अखाड़ा और जतरा कला संस्कृति परंपरा सब नष्ट हो रही है। क्योंकि अखाड़ा और जतरा पर कब्जा कर रहा है आधुनिकता, इससे नष्ट और भ्रष्ट हो रही है अखाड़ा और जतरा की व्यवस्था। कैसे बचेगी पहचान हमारी, कैसे बचेगा जतरा हमारा, कैसे बचेगा अखाड़ा हमारा, कैसे बचेगी हमारी सभ्यता संस्कृति और परंपरा। लेकिन ये बचेगी निश्चित रूप से बचेगी बाबा पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा के गुरु मंत्र से। लेकिन ये बचेगी निश्चित रूप से बचेगी बाबा पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा के गुरु मंत्र से। आप सभी जानना चाहेंगे वह गुरु मंत्र क्या है, वह क्या गुरु मंत्र है। छोटा सा मंत्र है पर इसमें बहुत बड़ा दर्शन और संदेश है। जी हाँ, वह गुरु मंत्र है, आप लोग देख रहे हैं बैनर में सबसे ऊंचे में लिखा हुआ है, जे नाची से बाची, यही है बाबा का गुरु मंत्र। यदि हमारे महान आत्मा पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी का यह गुरु मंत्र आत्मसात कर लिए, तो निश्चित रूप से हम बच सकते हैं, हमारा आदिवासी बच सकता है, हमारा धरोहर बच सकता है। पहला पीरीतिया मिला रे, पहला पीरीतिया मिला रे,
अब हम आमंत्रित करते हैं मधु मंसूरी जी को नागपुर के कोरा डॉक्टर रामदयाल मुंडा संस्कृति के बहुत बड़े योद्धा थे, संस्कृति के बहुत बड़े वट वृक्ष थे। डॉक्टर रामदयाल मुंडा गांव से उठ के हमारी पहचान को अमेरिका दुनिया की हर पार्ट में पहुंचाया है और वो अमर रहे, सदा अमर रहे। हम लोग इसी तरह से उनको याद करें, ऐसा हमेशा हम लोग का ऊंचा सोच रहना चाहिए। एक बात हम हर लोग को एक बात विनती के साथ करूंगा कि हमारे लोग को आदिवासियों लोग को दो भाग में बांट के लोग तोड़ना चाहता है, एक है ईसाई आदिवासी और एक है संसार आदिवासी। ये बात भूल जाइए, कभी भी आदिवासी ईसाई भाइयों से आप टकराव मत कीजिए, राजनीतिक लोग आपको बर्बाद करने का षड्यंत्र करते हैं। ईसाई आदिवासी और संसार आदिवासी हम लोग सब एक हैं, हमारी परंपरा एक है। अखाड़ा हमारा न्यायालय है, मिनी सचिवालय है। गांव घर की जो समस्या अखाड़ा में बैठ के होता है, गांव घर की रीझ रंग पर्व त्योहार अखाड़ा से होता है। तो मैंने आपको गांव छोड़म नहीं का बात ही सुनाते हैं, हम लोग अपनी गांव को ही शहर बना दे, ऐसा ऊंचा सोच रखना चाहिए। अपनी परंपरागत खेती बाड़ी राग रागनी कला संस्कृति को कभी नहीं भूलना चाहिए, ऐसा हम लोग बना दे। यह गीत दुनिया की हर देश में बज रही है, इसका कॉपी हो रहा है, आप सुनिए। अरे गांव छोड़ब नहीं, हम जंगल छोड़ब नहीं, और माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं, हम गांव छोड़ब नहीं और जंगल छोड़ब नहीं, अरे माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। बांध बना ले, गांव डुबा ले, कारखाना बना ले, और जंगल काटी खादान खोदी सेंचुरी बना ले। तो बांध बना ले, गांव डुबा ले, कारखाना बना ले, और जंगल काटी खादान खोदी सेंचुरी बना ले। जंगल छोड़ब नहीं, अरे माय माटी छोड़ब नहीं, लाड़ा छोड़ब नहीं, हम गांव छोड़ब नहीं और जंगल छोड़ब नहीं, अरे माय माटी छोड़ब नहीं, लाड़ा छोड़ब नहीं। पुरखे थे क्या मूर्ख जो वे जंगल को बचाए, धरती रखी हरी भरी और नदी मधु बहाए। अरे पुरखे थे क्या मूर्ख जो आदिवासी दादा।